जी वालेकुम सलाम उमर एजाज साहब। उधर तो कबूतर नजर आ रहा है। इधर आ जाओ। असद ये पकड़ के उधर ही बैठ। कबूतर आ रहा है। ठीक हो गया। भैया अभी दो बैठे हैं और मौसम अभी तक तो ठीक है। चांद तारे निकले हुए। दो बैठ गए भैया, दो बैठ गए हैं। सात कबूतर उड़े, सात कबूतर। जी भैया तीन कबूतर सामने कह रहे हैं जी के हैं, नजर आ रहे हैं। साढ़े पाँच बजे शाम को उड़ाए थे, दो बजे तक लास्ट टाइम है। छह छतें उड़ रही हैं। छह
किधर नाजरीन, इस वक्त मौसम भी ख़राब हो गया, नेटवर्क भी ख़राब हुआ हुआ है। वो नीचे दुकानें हैं उधर देखें जी, वहाँ पे भी नीचे लोग बैठे हैं। इधर ये फ़ोन चमकता आपको नज़र आएगा, उससे अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे भी लोग बैठे हैं। आ रहा जी है अभी तक दो बैठे हैं भाई, माशाल्लाह। पसरूर में बहुत ज़बरदस्त शौक हो रहा है सर, पता नहीं अभी नज़र नहीं आना, काफ़ी ऊंचा है। मौसम कह रहा है कि कोई काम ख़राब होने वाला है। देखें ये मौसम के हालात नहीं ठीक, अल्लाह पाक बेहतरी करे जी, बस बड़ी मेहनत है लोगों की। नज़र आएगा थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा और नीचे आएगा। थोड़ा और नीचे आएगा तो नज़र आएगा, लेकिन उधर जी भैया, पसरूर सियालकोट के पास जो है कैमरा देख देख के रह गया है, नहीं देखा जा रहा, थोड़ा सा ऊंचा है। जी वालेकुम सलाम भैया, हाँ जी टूर्नामेंट हो रहा है 6 छतों का।
यार भैया दो कबूतर बैठ चुके हैं, बाकी तीन नज़र आ रहे हैं और मौसम अभी तक तो ठीक है, बाकी पता नहीं। पोजीशन तो यही है, दो बैठे हैं भाई, कह तो रहा हूँ आपको मैं। कामरान भाई ज़रा साइड पे हैं तो लाइव मैं बैठूं, तो शाम को 5:30 भी उड़े थे, 2 बजे लास्ट टाइम है रात का। अभी बताते हैं वो किस किस के पूरे बैठ के। भैया हर छत के साथ कबूतर उड़े जी। भैया क्या पूछ रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं कि कामरान भाई किसको फोन दे दिया, आप बताए पूछे क्या कह रहे हैं आप। Yeah, that'd be so good. Yeah, that'd be good.
सिर्फ 2 मिनट सफ़र करें, मैं वो रजिस्टर पकड़ता हूँ जिस पर लिख रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ किसके बैठ गए हैं किसके नहीं बैठे अभी तक उधर। यार ये मेरा लाइफ चल रही है ना सब, वो रजिस्टर को तो बता देते हैं। अब लाइव आप ही देखे ना लेटेस्ट ऐसे लगा देते हैं। ये देख भैया सबको रिजल्ट लिस्ट दिखा रहे हैं, ये देख लें। यहाँ पर भैया नेटवर्क प्रॉब्लम है, मौसम थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया इस वजह से। लिस्ट दिखाएं क्या है हमें पता नहीं चल रहा, नाम ले लेके बताएं नाम लो। चोरी अवैध खोखर साते बैगन मिर्जा सी चोरी अकबर बाजवा साते बैगन चुंडा साते बैगन राणा बादशाह पिंडी भागो दो बैठे ने। राणा बादशाह किन्ने कुत्ते बैठे? 3 11 15 3 बैठे राणा बादशाह ते। हां जी 11 15 स्टार नोनी दो बैठे जे, बाकी फिर रहे काया माशाल्लाह फिर दे बजे। एक नाम है हसन जुबैर जफरवाल 5 बैग है जे काया उदे फिर दे बिन माशाल्लाह। नहीं मबासी साहब है, तनवीर साहब है, इजाज बर्ड साहब है, काशी भाई है बैठे इधर, हाजी सजाद साहब है, बहुत शुक्रिया।
दिखा दो। अच्छा जी इस वक्त जी जी इमरान भाई क्या पूछा, सॉरी मैं था नहीं। ये भाई थे तसव्वुर अहीर साहब कश्मीर से, नवीद भाई दुबई से, नवेज चीमा साहब, जानी संधु साहब, एजाज भट्ट साहब देख रहे हैं जी, उस्ताद एजाज भट्ट साहब। कैमरे में सर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे क्योंकि मौसम थोड़ा जो है ना और तरह का हो गया, और कबूतर भी ज़रा ऊँचे हैं अभी। हमारा मकसद ये है कि हम जल्द से जल्द आपको कबूतर दिखाएं। तनवीर साहब ये शहर पसरूर में बाजियां चल रही हैं रात की, 5:30 बजे कबूतर उड़ाए गए हैं, 6 छतें जिनमें उस्ताद नोनी साहब के अभी जो हैं 2 कबूतर हैं, बाकी जो है 3 से 4 छतें पूरी हो चुकी हैं, और एक राना बादशाह साहब हैं उनके 3 बैठे हैं, एक हसन ज़ुबैर साहब हैं उनके 5 बैठे हैं। ओवर टाइम तो सर 2 बजे का टाइम है, 2 बजे से पहले तो अभी बहुत टाइम बढ़ा हुआ है। नमी आ रही है कैमरे के आगे, काशिफ भाई द ग्रेट, काशिफ भाई हमारे साथ हैं जी, को स्वीट्स भट्ट साहब, शुएब यासीन भट्ट साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी, कड़ियाँ वाला से हमारे दोस्त भी हैं, उस्ताद राणा रजाक साहब के शागिर्द हैं, काशिफ भाई शागिर्द हैं अपना उस्ताद आशिक सैन साहब के, और उस्ताद आशिक सैन साहब के एक शागिर्द जो हैं वो उड़ भी रहे थे चविंडा से। गुजरात में बारिश हो रही है, अल्लाह पाक साहब की बेहतरी करे सर यहाँ पर भी। हाँ जी सजा साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। हैं तो सिर्फ 6 छत हैं क्योंकि रात की बाजी है, हर बंदा ज़रा घबराता है। एक मिनट ज़रा आप लोग इसी तरह रहिएगा, मैं ज़रा कैमरा साफ़ कर लूँ। आइए नमी एक्चुअली आ जाती है आगे कामना में। गुजरांवाला में तेज़ हवा चल रही है, गुजरांवाला में भी चल रही है, उम्मीद यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पर पीछे मैं अभी देख के आया हूँ, बैक साइड पर गया हूँ तो पता चलता है कि बिजली बैक साइड पर बहुत ज़्यादा चमक रही है। एक डॉक्टर अमजद साहब हैं हमारे, बड़े अच्छे जानने वाले हैं, बड़े अच्छे प्यार वाले भाई हैं, उन्होंने बताया डस्का में भी बारिश है। सर वकास भाई छत पर तो बहुत से लोग हैं, हमने कुछ लोग जो हैं यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, दूसरी साइड पर सेंड कर दिए। ये यहाँ की सूरत हाल है। हाँ जी उस्ताद नोनी के कबूतर बिल्कुल रात को बैठते हैं जी, सैयद मोहम्मद ज़ुल्कनैन साहब, आसिम अली साहब क्या कह रहे हैं जी, कामरान भाई किधर हो, मैं पसरूर में सर। कामरान भाई क्या हाल है भाई जी, अल्लाह का शुक्र। उमर वकास साहब सर इसमें क्यों नहीं मज़ा, बेहतरीन मज़ा है, ना सूरज की रोशनी ना धूप ना गर्मी, सुकून से बैठे हैं ये देखें, सारे मुस्कुरा रहे हैं, कोई पंखा नहीं चल रहा। पहले गुजरात लाल मूसा में आंधी आई और फिर बारिश, और सर जी साढ़े वास्ते दुआ करो बस, उधर तो जो आ गई यहाँ पे उनकी बहुत मेहनत है कुछ लोगों की, और बड़ा स्पेशली इन लोगों ने तैयारी की हुई है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ शायद नज़र आ जाए, तो ये आप देखें कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर से अगर आपको नीचे का माहौल दिखाऊँ एक मिनट हो नहीं नहीं ठीक है थोड़ा बहुत बस। ये लोग बाइक्स पर भी हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं इधर, कुछ जा रहे हैं, ये बैठे हैं इस साइड, कुछ बैठे हुए हैं कुछ इधर नीचे यहाँ बैठे हुए, आज कुछ लोग उधर बैठे हुए आएंगे, उस्ताद नोनी साहब आ गए, और ये यार ये वाली चेयर छोड़ के दूसरी ले जाओ भाई, ये वाली चेयर छोड़ दें, वो वाली ले जाए, उस पर ज़रा बैठ के कबूतर सही नजर आ जाए, वो कुर्सी ले जाओ। तो यहाँ पे देखें जी यहाँ माशाल्लाह रौनक है, लेकिन यहाँ पे अंधेरा किया हुआ है क्योंकि कबूतरों की वजह से, तो कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, कुछ इधर नीचे हैं। भाई कोटली बाबा में तेज़ हवा शुरू हो गई है, राशिद राशिद कोटली बाबा किधर है, एक छत है ना उधर की, बैठ गए उनके सारे, उनके तो सारे बैठ गए मेरा ख्याल है।
तो ये अभी लोग दोस्त भाई हैं हमारे साथ देख रहे हैं, तो उस छत के तम मेरा ख्याल है कि तमाम के उतर बैठ गए हैं। उस साइड पर एक छत है अकबर कोटली बाबा है ना, वो कंप्लीट वो बैठ गया। वो कह रहे हैं जी वहाँ तेज़ हवा शुरू हो गई है। राशिद साहब को शेब यासीन भट्ट साहब भी आ